एक 40,000 साल पुराना भेड़िया, कुत्ते घास क्यों खाते हैं और गूगल को हम गूगल ही क्यों बुलाते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1968 की। यूएसए का एक प्लेन 4 हाइड्रोजन बॉम्ब ले जा रहा था ग्रीनलैंड के ऊपर से। तभी क्या हुआ कि वो प्लेन क्रैश कर गया और चारों हाइड्रोजन बॉम्ब नीचे गिर गए। तब के टाइम यूएसए की सरकार ने कहा था कि हमने चारों हाइड्रोजन बॉम्ब को निकाल लिया है, लेकिन वो सच नहीं था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 हाइड्रोजन बॉम्ब में से 3 बॉम्ब मिल गए थे, लेकिन एक बॉम्ब नहीं मिला था। मतलब आज की तारीख में आज भी वो बॉम्ब वहां पे पड़ा हुआ है और कभी भी फट सकता है। फैक्ट नंबर 14, एक ऐसा हेलमेट जो आपका दिमाग पढ़ सकता है, इसे बनाया फोर्ड कंपनी ने। ये बेसिकली उनके लिए जो रेसिंग करते हैं। ये हेलमेट बिल्कुल लाइव दिखाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपका दिमाग कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है रेसिंग करते वक्त, जिसकी वजह से जो राइडर है उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है। फैक्ट नंबर 13, हम सब ने सुना है कि रशिया और यूएसए चांद पर जाने के लिए लड़ रहे थे एक टाइम पे, लेकिन एक और देश था जो उस समय चांद पे जाना चाहता था। उस देश का नाम है जाम्बिया, जो अफ्रीका में। ये देश बहुत सीरियसली इस मिशन के लिए काम कर रहा था, लेकिन बाकी दुनिया को एक मजाक लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग मून की ग्रेविटी से लड़ने के लिए झूला झूल रहे थे, और मून पे जब लैंडिंग होगी उसको सीखने के लिए ये पहाड़ी से लोटपोट होके नीचे गिर रहे थे। तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि क्या मजाक चल रहा है। ये इनका मिशन ये था कि ये लोग चांद पे जाए और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार करें, वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाएं। मतलब ये लोग मानते थे कि मून पे लोग रहते होंगे। फैक्ट नंबर 12, हम इंडियंस एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो क्या है कि हमें कोई नदी दे दो, हम 30 से 40 साल में उसका नाला बना सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास जो नाला है ना, आज से 30, 40, 50 साल पहले वो एक अच्छी नदी हुआ करती थी, लेकिन हमने उसे नाला बना दिया। पूरे इंडिया में यही हो रहा है। फैक्ट नंबर 11, ये बियर की बॉटल्स के अंदर हाथ कैसे आए? ये है बियर कैन चिकन। इसमें क्या होता है कि एक चिकन को बियर की बॉटल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके पंजों को बाहर रखा जाता है केवल। ये डिश बनाई जाती है वियतनाम में। ये खाना दिखने में बहुत अजीब और डरावना लगता है, लेकिन वहां के लोगों को बहुत टेस्टी लगता है। फैक्ट नंबर 10, इंग्लिश लैंग्वेज का आविष्कार तो ब्रिटेन ने किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलने वाला देश कौन सा है? वो है यूएसए। यूएसए के 30 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया के 10% लोग यानी 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को समझ या बोल पाते हैं। अब इसमें रिलीजन के हिसाब से डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंडिया के 15% क्रिश्चियंस इंग्लिश बोल पाते हैं, जबकि 6% हिंदूज बोल पाते हैं और 4% मुस्लिम्स इंग्लिश बोल पाते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इंडिया में एक भाषा नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, वो है एक स्टेटस सिंबल। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपकी ज्यादा इज्जत होती है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ना तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ना अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिलेगी, और जिसके साथ साथ हजारों अपॉर्चुनिटीज आप लूज करोगे केवल इंग्लिश ना बोलने की वजह से, वो तो बात अलग है। आपने अपनी लाइफ में कितने सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता, लेकिन केवल इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश लिखने के साथ साथ बोलने में भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सीखने के लिए एक बहुत ही सही एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैम्बली। कैम्बली इंडिया की एक लौती ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप 1-to-1 लोगों से बात कर सकते हो, जो लोग दुनिया भर के होते हैं, यूएसए, यूके, कहीं के भी हो सकते हैं। उनसे बात करके आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी, एक्सेंट, सब कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो। और एक बात जो कैम्बली की मुझे सबसे सही लगी वो ये है कि आप इसमें 24/7 बात कर सकते हो। जब आपका मन किया, जब आप फ्री हो, तब आप बात कर सकते हो। कैम्बली ऐप को मैंने यूज किया, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। So my name is Naveen Dhami. What's your name? My name is Mark. Mark, where are you from? I'm from South Africa. So I upload videos about mysteries, facts, all about USA, Japan, India, and the facts that are unknown to the people. They're interesting facts. Okay. I'm pretty nervous in talking to people, strangers in English. And when it comes to talking to girls and good-looking girls, then I stop. People treat the people who can speak good English, they are just higher than those who are not able to speak in English. We had a chat of 5-7 minutes. How do you rate my English? Your English is really good. To be honest, if I had to guess, I would say it's either a first or a very highly studied second language. अब आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आप सीक्रेट इंडियन टीवी के सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप कैम्बली ऐप को भी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको सीक्रेट इंडियन टीवी कूपन कोड में डालना है। फैक्ट नंबर 10, ये है ली चिंग युआन। ये इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान के नाम से जाने जाते हैं। ये टोटल जिए थे 256 साल। ये मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट थे। इनका जन्म हुआ था 1677 में और उनकी डेथ हुई थी 1933 में। 256 साल जिए थे ये। फैक्ट नंबर 9, आप सभी ने कभी ना कभी एचपी का लैपटॉप देखा होगा, यूज भी किया होगा। आपको पता है एचपी का फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकर्ड, लेकिन ये फुल फॉर्म पड़ा कैसे, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके जो फाउंडर्स थे विलियम ह्यूलेट
और डेविड पैकर्ड, वो दोनों चाहते थे कि हमारा नाम इसके ऊपर आए, कंपनी का नाम हमारे नाम से पड़े, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन था कि पहले किसका नाम आएगा। तो दोनों ने एक टॉस किया और पहला नाम आया विलियम ह्यूलिट का, इसलिए कंपनी का नाम पड़ गया HP, ह्यूलिट पैकर्ड। फैक्ट नंबर 8, हम गूगल को गूगल क्यों बोलते हैं? गूगल का नाम रखने के पीछे एक मैथमेटिकल टर्म का यूज हुआ है जिसे कहते हैं गूगल, जैसे होता है 100, 1000, 1000, वैसे अगर 1 के आगे 100 जीरो लगा दें तो एक टर्म निकल कर आती है गूगल, और इसी के नाम पर गूगल नाम रखा गया कंपनी का। फैक्ट नंबर 7, बात है साल 1999 की। गूगल कंपनी अपने आप को बेचना चाहती थी एक्साइट कंपनी को केवल 7 करोड़ रुपए में, लेकिन एक्साइट कंपनी ने मना कर दिया, हमने खरीदेंगे। उसके बाद आज की तारीख में गूगल कंपनी की वर्थ है $300 बिलियन, $1 बिलियन इक्वल्स टू 7000 करोड़, और इसको इंटू करेंगे 300 से तो इतनी आज के डेट में गूगल की वर्थ है। तो जो एक्साइट का मालिक होगा आज, वो दीवार पे सर मारता होगा अपना। फैक्ट नंबर 6, ऑपरेशन पेपर क्लिप। ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की बात की, जर्मनी नाजी हार चुके थे, तब USA को लगा कि नाजी के इतने सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। तब उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पेपर क्लिप। उन्होंने 1600 से ज़्यादा जर्मन साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को अपने देश में आकर्षित करने के लिए प्लान्स बनाए, और इन्हीं साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट का नाम था वर्नर ब्रॉन, और इस साइंटिस्ट ने आगे चलकर नासा का अपोलो मिशन किया। तो देख रहे हो, अगर जर्मनी के साइंटिस्ट USA ना आते तो USA कभी चांद पर भी ना पहुँच पाता। फैक्ट नंबर 5, जो लोग सबसे ज़्यादा हर चीज़ पर एडवाइस देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, उन्हीं की ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा घोड़े लगे होते हैं। मैंने कहा घोड़े, कमेंट्स में ये मत बोलना गाली दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने कुत्तों को घास खाते हुए देखा होगा कभी ना कभी, इसका कारण क्या होता है? दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जब भी कुत्ते को लगता है कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है और मुझे उल्टी करनी चाहिए, तो वो घास को खाता है, जिससे उल्टी करने में आसानी होती है। दूसरा कारण है डाइजेशन। जब भी कुत्ते को लगता है कि मेरे पेट में कुछ कीड़े मकौड़े हैं और डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो वो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए घास खाता है। फैक्ट नंबर 3, ये है शिगेता का कुरीता। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इमोजीज। इन्होंने ही साल 1999 में इमोजीज का आविष्कार किया था। इन्होंने इसका आविष्कार बेसिकली जापान के लोगों के लिए किया था, ताकि वो आपस में बात कर सकें। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज से कई साल के बाद लोग शब्दों का यूज करना कम कर देंगे और इमोजीज से ज्यादा बात करेंगे। फैक्ट नंबर 2, इनसे मिलिए, इनका नाम है हुमैरा। ये एक सोलो बैकपैकर है, मतलब कि ये पूरी दुनिया घूमते हैं, इसके बावजूद भी कि ये ना तो बोल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं। तो ये दूसरे देशों में जाके बात कैसे करते हैं? बात करते हैं ये हाथों के जेस्चर्स से और मोबाइल से लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके ये बात कर पाते हैं। जब इनसे पूछा गया कि एक आम इंसान को आप क्या सलाह देना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई गूंगा बहरा इंसान आपके पास आके कुछ हेल्प मांगे जो आपके लिए स्ट्रेंजर हो, तो आमतौर पर लोग डर जाते हैं, तो डरा मत करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक गूंगा बहरा इंसान होने के बावजूद भी दुनिया घूमने का सपना रख सकता है, तो आपको घूमने से क्या चीज रोक रही है? फैक्ट नंबर 1, ये है 40,000 साल पुराना भेड़िया। इतना पुराना होने के बावजूद भी इसकी जीभ अभी भी बिल्कुल गीली है और इसकी जो बॉडी है उसके बाल अभी भी सही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हजारों साल से रशिया की बर्फ के नीचे दबा हुआ था। अब इस पर साइंटिस्ट गहरी रिसर्च कर रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि आज से 40,000 साल पहले कैसे जानवर होते थे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। बाय।